मैंने कभी भी थर्ड ईयर से इतनी बड़ी चीयर नहीं सुनी है। थर्ड ईयर को फिक्र ही नहीं है प्लेसमेंट की। आज मैं उस कॉलेज में आया जहाँ पे पूरी नारी शक्ति बैठी है, जहाँ पे बोले नहीं नहीं सर आप समझ नहीं रहे, वो अच्छा नहीं दिखेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात ना करें, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करें। कितने यहाँ पे फर्स्ट ईयर है? सेकेंड ईयर? थर्ड ईयर? मैं बता रहा हूँ, मैं जितने भी कॉलेजेस में गया हूँ, बीट आईआईटीज में गया हूँ, एनआईटीज में गया हूँ, मेडिकल कॉलेज में गया हूँ, मैंने कभी भी थर्ड ईयर से इतनी बड़ी चीयर नहीं सुनी है। दो बातें हो सकती है, एक प्लेसमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरा थर्ड ईयर को फिक्र ही नहीं है प्लेसमेंट की। मैंने थर्ड ईयर वालों को कभी इवेंट में इतनी भारी मात्रा में आते हुए नहीं देखा और इतना चीयर कर रहे। मैं पूछता हूँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, वो मोह माया से ऊपर उड़ जाते हैं थर्ड ईयर वाले। बेसिकली हमेशा ऐसा होता है। तो कितने इत्तेफाक की बात है कि आज मैं उस कॉलेज में आया जहाँ पे पूरी नारी शक्ति बैठी है, जहाँ पे देवी माएँ सारी बैठी हुई हैं और कुछ शैतान भी बैठी हैं, खैर। और आज सुबह क्या हुआ कि मेरे ड्राइवर भाई जो हैं, तो मेरे ड्राइवर भाई हैं नितेश भाई करके, तो वो छुट्टी पे थे और मैं दिल्ली के ट्रैफिक में गाड़ी चलाना अवॉइड करता हूँ क्योंकि मेरे बीच में कॉल आ जाती है, मुझे उठानी पड़ती है। तो फिर मैं ऑफिस में गया कि मेरे साथ कोई और चल ले, तो ये सुष्मिता मैम करके हैं, ये देखो ये, तो ये बोली कि ठीक है सर मैं चला लेती हूँ आपकी गाड़ी। तो मैंने कहा चलो। फिर टीम मेंबर बोल रहे थे नहीं सर लड़की से थोड़ी गाड़ी चलवा के ले जाओगे आप, सर अच्छा नहीं लगेगा, कैसा लगेगा। मैंने कहा क्यों, लड़के तो चलाते हैं मेरी गाड़ी, ऑफिस में सब चलाते हैं, सारे लीडर्स भी चला लेते हैं क्योंकि मैं बगल में मीटिंग ले रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है? फिर बोले नहीं नहीं सर आप समझ नहीं रहे, वो अच्छा नहीं दिखेगा, लड़की बगल में गाड़ी चला रही है आप बैठे हुए हो। फिर सुष्मिता मैम आगे आई, बोली कि सर कोई दिक्कत नहीं है मैं लेके चल रही हूँ आपको, आप चलो। नाउ दिस आई एक्चुअली कॉल वुमेन एम्पावरमेंट। जब लड़कियाँ सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात ना करें, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करें। एक बार सुष्मिता जी के लिए ताली हो जाए। देखो हमारी जो समाज है वो धीमे धीमे बदल रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं आपको आज भी समाज में अधिकांश लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आप लोग से ये बोल देंगे कि तुम लड़की हो तुम ये नहीं कर सकती, तुम लड़की हो तुम वो नहीं कर सकती, अरे तू लड़की हो के ये करेगी क्या, तू लड़की हो के वो करेगी क्या। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ तो आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुँच चुकी हैं, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, महिलाएं जंग के मैदान में फाइटर जेट उड़ा रही हैं। पॉइंट नंबर थ्री, कैंसर जैसी भयानक बीमारी का इलाज तभी पॉसिबल हुआ जब एक महिला ने रेडियम की खोज की। और आप अपने खून चूसने वाले रिलेटिव्स का फ़ोन इसीलिए अवॉइड कर पाते हो क्योंकि एक महिला ने कॉलर आईडी की इन्वेंशन की।